आज हमारा वीक टू का लेक्चर स्टार्ट है, और वीक वन के लेक्चर में हमने ये देखा था कि हम पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, और सबसे पहले पाइथन का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उसे रन कैसे करते हैं, और प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दूसरा लेक्चर जो बेस कर रहा है वो वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर पे बेस कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि पाइथन में वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स बहुत सारे होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप मैथ्स में पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस, इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिट वाइज। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो जो हैं इसमें से जो नेसेसरी ऑपरेटर्स हैं उनको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ देखेंगे भी और सॉल्व भी करेंगे। तो आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं पाइथन में हम किस तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपको प्रिंट करना आता है और वैल्यू को पास करना आता है, जो कि आपने पहले लेक्चर में सीखा था। तो अब हम देखेंगे कि मुख्तलिफ ऑपरेटर्स अरिथमेटिक वो पाइथन में किस तरह लिखे जा सकते हैं, वेरिएबल को चेक करना, साइन करना, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन पता करना, और भी जितने सारे ऑपरेटर्स हैं उसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं पाइथन में। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं, अपना पाइथन का ही इन्वायरमेंट खोलते हैं और वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया हमने ए, यहाँ इसकी डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और हमने लिख दी है इसकी वैल्यू, लिख दी ए इज इक्वल्स टू 21 लिख दिया। और इसी तरह हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया बी, बी की वैल्यू लिख दी हमने 10, और इसी तरह हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं सी, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 0। तो ये तीन वेरिएबल्स हमने बना लिए और इसके अंदर वैल्यूज़ भी असाइन कर ली, कोई इंटीजर वगैरह बताने की हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट इसको इंटीजर ले लेगा। तो अब यूज़ करते हैं सबसे पहला ऑपरेटर और चेक करते हैं ये पहला ऑपरेटर जो है एडिशन का, वो पाइथन में किस तरह लिखते हैं। जिस तरह आप नॉर्मल लाइफ में लिखते हैं उसी तरह यहाँ पर भी लिखना है। तो प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट का फंक्शन भी सबको लिखना आता है, द आंसर ऑफ सी एस, और उसके बाद आप यहाँ पे आंसर प्रिंट करेंगे सी का, जो भी आंसर आएगा तो कॉमा लगाएंगे, और कॉमा आपको पहले भी पता होगा डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो भी होता है पाइथन उसे एज इट इज प्रिंट करता है। इसके अलावा जो हमारे पास बगैर इन्वर्टेड कॉमास के होता है उसकी वो वैल्यू तलाश करता है, तो ये जाएगा सी की वैल्यू तलाश करेगा और प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद हम एक दूसरा ऑपरेटर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वो पाइथन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम माइनस कहते हैं सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन लिख देते हैं, द वैल्यू ऑफ सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ देख रहे होंगे मैं स्पेस डाल रहा हूँ, तो जैसा हमने प्रिंट किया है डबल इनवर्ट कॉमा में बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे भी सी की वैल्यू प्रिंट कराते हैं। उसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ए इंटू 8 के ऊपर शिफ्ट दबा के 8 प्रेस करेंगे तो इंटू का सिंबल आ जाएगा, स्टार कहते हैं जिसको आप, और इसको भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं एक प्रोग्राम में हम सारे ऑपरेटर समझ लें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और इसका आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सी लिख देते हैं। तो सी की वैल्यू बार बार चेंज होती जा रही है क्योंकि हम मल्टीप्लाई और डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करें। अब आते हैं डिवाइड पे, तो डिवाइड भी हम पाइथन में लिख सकते हैं ए डिवाइडेड बाई फॉरवर्ड स्लैश बी, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रिंट द आंसर ऑफ डिवीजन कह लेते हैं इसको, डिवीजन इज, यहाँ पे हम कॉमा डाल के बगैर इन्वर्टेड कॉमा, तो याद रहे डबल इन्वर्टेड कॉमास में जो होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमास में नहीं होता पाइथन उसकी वैल्यू तलाश करता है। तो हम कहाँ थे, हम अपने प्रोग्राम पे थे। फिर उसके बाद हम एक मॉड्यूलस का ऑपरेटर जो कि रिमाइंडर चेक करके बताता है कि अगर दो नंबर्स को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, तो ए मॉड्यूलस, ये शिफ्ट दबा के 5 प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये अक्सर हम इवन नंबर फाइंड करने के लिए इवन नंबर का भी प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, ये 21 को 10 से डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना वो हमें बता देगा। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं, द मॉड्यूलस रिजल्ट इज, तो सबका हम आंसर देखेंगे और देखेंगे कि ऑपरेटर किस तरह काम कर रहे हैं सी। अच्छा, एक और चीज़, पाइथन में हम सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी से तो मल्टीप्लाई होता है, अगर दो मरतबा इंटू दबा दें तो ये पावर की सोर्स में लेता है इसको, यानी 21 की पावर 10 लेगा अभी से ही। तो अगर आप दो मरतबा मल्टीप्लाई कर दें तो ये पावर
की टर्म्स में लेता है वैल्यूज को, तो हम इसको भी चेक करके देखेंगे। द डबल मल्टीप्लाई सिंबल, द डबल मल्टीप्लाई सिंबल आंसर इज, यहाँ पे हम देख लेंगे इसको भी। तो अब हम इसको रन करते हैं। हमने दो कुछ ऑपरेटर्स जो हमें इजी इजी ऑपरेटर्स थे वो हमने बेसिक यहाँ पे लिख लिए। इसको रन करके आंसर देखते हैं इसका। तो इसने हमें एक एरर दिया लाइन वन में कि आपने अनएक्सपेक्टेड इंडेंट दिया। इंडेंट क्या, यानी हमने कहीं जगह छोड़ी है। तो हम आते हैं यहाँ पे और देखते हैं, ये देखें हमने गलती से यहाँ पे जगह छोड़ दी है, जो कि पाइथन को इंडेंट नहीं चाहिए। जहाँ से सारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है वहीं से आपने सब प्रोग्राम को लिखना है। तो ये फालतू का स्पेस बार ये हमने ऐड नहीं करना है, तो इसको कहते हैं इंडेंटेशन एरर। तो इसने फौरन ही इंडेंटेशन एरर प्रोवाइड कर दिया। तो इस इंडेंटेशन एरर का खास ख्याल लूप लिखते वक्त रखना है। अक्सर लोग लूप लिखते हैं और ये एरर बार बार प्रोड्यूस होता है। तो इस एरर को रिड्यूस करके अब इस प्रोग्राम को चलाते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आए। तो सबसे पहला आंसर जो आया है हमारे पास, हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आ जाए। सबसे पहला आंसर आया था, आंसर इज 31। ये 10 और 20 का एडिशन है, 21 और 10 का। 31 सब्ट्रैक्शन भी सही आया, मल्टीप्लिकेशन भी सही आया। डिवीजन का आंसर 2.1 में आया, यानी इसने बताया कि 21 को आप 10 से डिवाइड करेंगे। मॉड्यूलस का आंसर जो है 1 आया, यानी 21 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आपके पास आएगा 1। तो इसने वो रिमाइंडर दिया है। उसके बाद आपका डबल मल्टीप्लाई का आंसर, क्या मतलब है डबल मल्टीप्लाई के आंसर का, यानी आपने लिखा था ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी। तो 21 आपने इस तरह लिखा था कुछ, 21 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये इसने 21 की पावर 10 ली और आपको कैलकुलेट करके बताया। तो ये पाइथन के कुछ बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशन है जो कि हम परफॉर्म करते हैं और इनको आगे हम परफॉर्म करते रहेंगे आगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। तो पाइथन में इस तरह हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग अगर चेक करना चाहें, मैंने सबके पास आइडल भी इंस्टॉल करवाया था, तो आइडल में भी ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू असाइन की ए इज इक्वल्स टू 5, और फिर उसके बाद आप ए लिखेंगे तो पाइथन आपको बताएगा 5। आपने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू 6, और फिर उसके बाद आपने लिखा ए प्लस बी, तो ये अब आपको आंसर बताएगा। आप सी के अंदर आप ए प्लस बी सेव कर दें तो ये सी के अंदर सेव हो जाए, फिर आप सी दबाएंगे तो ये सी का आंसर बताएगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं सी आप इस तरह करके असाइन करें तो डबल इज इक्वल्स टू अगर करेंगे तो ये चेक करना शुरू कर देगा। तो अभी मैं लिखता हूँ सी इज इक्वल्स टू 11, तो ये मुझे कह रहा है 2। और अगर मैं कहूँ कि भाई चेक करो सी इज इक्वल्स टू 10, तो ये कहेगा नहीं आप गलत बता रहे हैं, सी इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो बहुत सारे ऑपरेटर्स हम पाइथन में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए, असाइन करने के लिए, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए, वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए। अगर हम प्रिंट यहाँ पे लिखें प्रिंट सी, तो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई, हमने एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, तो जो सिंटैक्स है वही प्रोवाइड करना है, तो अब ये सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। और अगर हम यहाँ पे लिखें प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा सी, तो अब ये वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, एज इट इज़ प्रिंट करेगा। तो पाइथन में जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमाज में होता है वो एज इट इज़ आ जाता है, और अगर जो डबल इन्वर्टेड कॉमाज में नहीं होता, जिस तरह हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं ए, तो ये इसकी वैल्यू ढूंढना शुरू कर देता है। अच्छा, एक बात हमने की थी कि 2 लिखा और मल्टीप्लाई किया 3 से, तो आंसर क्या आएगा 6। लेकिन 2 लिखा और मल्टीप्लाई का साइन 2 मरतबा डाल दिया और यहाँ पे लिखा 3, तो अब ये 2 की पावर 3 कैलकुलेट करेगा जो कि 18 है। तो हमने पिछले सवाल में क्या किया था, 21 की पावर 10 कैलकुलेट कीजिए, तो इसने ये आंसर दिया था। तो डबल मल्टीप्लाई हम एज अ पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने इस्तेमाल किया मॉड्यूलस इसके अंदर 5 डिवाइडेड बाई 2, और अगर हम डबल मॉड्यूलस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी कि ऐसे ऑपरेटर जिनको डबल इस्तेमाल कर लें तो उनसे क्या होता है। तो ये आइडल है पाइथन का, इसके अंदर भी डायरेक्टली आप आंसर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं जो कि आपने स्टडी किए। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, और ये अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने इधर भी लिख दिए हैं। फ्लोर डिवीजन आपने एक्सप्लोर करके बताना है असाइनमेंट में कि ये क्या होता है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉड्यूलस एक्सपोनेंशियल और पावर और फ्लोर डिवीजन, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब आते हैं कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट पे, कंडीशनल स्टेटमेंट। ये तो बहुत आसान सी बातें थी कि आप कोई भी वेरिएबल ले लें, उसमें नंबर असाइन करें, नंबर असाइन करके चेक कर लें और उसको अप्लाई करें, प्रिंट कराएं, किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू फीड करा दें, उनको प्लस कराएं, सब्ट्रैक्ट कराएं, डिवाइड कराएं, मल्टीप्लाई कराएं। तो ये तो बहुत सारे आसान काम हैं जो कि आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी करते आए, पाइथन में भी उसी तरह कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं वैल्यूज़।
अच्छा, ये सारी बातें करने के बाद अब हम आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट पे। ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये इफ एल्स एलिफ क्या होते हैं। तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट समझने के लिए एक नया नई फाइल बनाते हैं और उसके अंदर कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने यहाँ न्यू पाइथन फाइल बनाई और इसमें क्या देते हैं, कंडीशनल कंडीशन लॉजिक क्या होती है उसको समझेंगे। तो हमने ये एंटर किया और एक फाइल बना ली। अब इस फाइल को समझने की कोशिश करते हैं, इस फाइल को पढ़ेंगे और इस फाइल ही में अपना सारा कोड लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक बच्चा है जिसका नाम है सलमान और सलमान के पास 30 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम एक रेंज असाइन कर देते हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं कि हम इसमें चेक करना चाहते हैं इफ़ सलमान की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 है। और हमने यहाँ ग्रेटर देन का रिलेशन, ग्रेटर देन का ऑपरेटर इस्तेमाल किया और फिर हमने यहाँ पे कॉलन लगाया। तो पाइथन में जब भी इफ़ लगाएंगे और कोई कंडीशन लिखेंगे तो उसके बाद आपको कॉलन लिखना लाजमी है, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है। फिर उसके बाद जब इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने कर्सर आगे से शुरू किया। तो जब भी आप इफ़ का लूप लिखते हैं खुद ब खुद इंडेंटेशन प्रोवाइड करता है। हमने कहा इफ़ सलमान ग्रेटर देन 50, यानी सलमान के पास अगर 50 रुपये से ज़्यादा हैं तो सलमान इज रिच, तो सलमान रिच है, अमीर है। और फिर उसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, अभी भी ये लूप के अंदर है, इफ़ कंडीशन के अंदर है, सॉरी इफ़ कंडीशन के अंदर है। तो हम नहीं चाहते ये कंडीशन में है, तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, कंडीशन से बाहर निकल जाएगा। फिर हम लिखते हैं एल्स और उसके बाद फिर कॉलन लगाते हैं और कॉलन लगाने के बाद इंटर प्रेस कर देते हैं। तो अब दो कंडीशन बन गए, या तो सलमान के पास 50 रुपये से ज़्यादा हो तो सलमान रिच है और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। अगर 50 से कम हो तो सारी कंडीशन पे एक ही हम चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं। तो हमने लिखा ही इज पुअर, ठीक है। तो हमने दो कंडीशन बनाई, अगर सलमान के पास 50 से ज़्यादा रुपए हो या सलमान की वैल्यूज 50 से ज़्यादा हो तो आप प्रिंट करें सलमान इज रिच, और इसके अलावा कुछ भी हो जाए आपने क्या प्रिंट करना है, एल्स सल ही इज पुअर। तो इसको चला के देखते हैं, अभी हमारे पास सलमान की वैल्यू क्या है, 30, यानी सलमान की वैल्यू 50 से कम है, तो ये क्या प्रिंट करेगा हर सूरत में, ही इज पुअर। तो हम इसको रन करके देखते हैं, बहुत आसान सा कोड है। तो इसने प्रिंट कर दिया ही इज पुअर। अच्छा, हम चाहते हैं इसको चेंज करें ना, सलमान की जो वैल्यू है 30, इसको हम कर देते हैं 60 कर देते हैं, या 600 कर लें आपकी मर्जी है। और फिर इसको रन करेंगे तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, अब ये प्रिंट कर रहा है सलमान इज रिच, क्योंकि सलमान की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 60 से ग्रेटर हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, सलमान की वैल्यू जब 60 से ग्रेटर हो चुकी है तो ये प्रिंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि 50 पे प्रिंट करें, तो 50 पे क्या प्रिंट करेगा, 50 में तो तक ग्रेटर है तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, 50 पे तो इक्वल हो गई तो अब तो फंस जाएगा, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होगा, सलमान 50 अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो वो बोलेगा सलमान इज रिच। तो ठीक है, हम 50 पे इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि अब 50 से ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू इस्तेमाल कर लिया तो ये क्या बोल रहा है, सलमान इज रिच। तो अब आते हैं एक और नया प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम एलिफ का भी इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ एल्स तो आ गया, इफ होता है एक कंडीशन लगाने के, उसके अलावा कुछ भी हो आपने ये प्रिंट करा देना है। तो अब आते हैं इफ के साथ, हम एक नई कंडीशन इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स के साथ, इफ एलिफ। तो फिर कंडीशनल इसका नाम रखते हैं और कंडीशनल टू रख देते हैं और एक इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम लिखते हैं। ये बच्चों के ग्रेड हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेड्स, ग्रेड्स और ग्रेड्स में लिख देते हैं कि कोई बच्चा है जिसका कोई नाम है और उसकी ग्रेड है 75%, ठीक है। और अब हम जो है ना ग्रेड की कंडीशन बनाते हैं, इफ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर इस बच्चे के ग्रेड 90 से ज़्यादा है तो इसको क्या, इसको रिजल्ट क्या देना है, इसको रिजल्ट देना है कि भाई आपने ए ग्रेड पोजीशन लिए या ए ग्रेड रैंक लिया। और अगर किसी बच्चे के इफ़, अब इफ़ की कंडीशन में इंडेंटेशन में चल रहा है, यानी इस कर्सर को देखेंगे खुद ब खुद जगह छोड़ के आ गया है, तो हम जब इंटर प्रेस करेंगे इंडेंटेशन में, तो अब मुझे इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखनी, मुझे बाहर जाना है इस कंडीशन से। इफ़ आप ये चेक करें कि बंदे के ग्रेड 90 से ज़्यादा है, फिर उसके बाद हमने लिखा एलिफ, यानी ये भी चेक करें साथ में, क्या भाई क्या चेक करें, ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आप ग्रेड चेक करें, आप क्या चेक करना है, आपने ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं अगर,
इस बच्चे के ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हैं, तो अब हम इसको क्या कहेंगे कि भाई आपका जो ग्रेड रिजल्ट है वो है बी ग्रेड, ठीक है। तो ये हमने बी ग्रेड लिख दिया। अब हम दो इफ और एल्स में हम एक इफ में हम एक कंडीशन लिखते थे और उसके बाद कहते थे बस, अब यही कंडीशन हो तो आपने प्रिंट करना सलमान इज रिच, वरना सारी कंडीशंस पे यही प्रिंट करना है कि सलमान इज पुअर। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस की तादाद बढ़ गई, दो कंडीशंस नहीं है, जहाँ दो कंडीशन हो वहाँ इफ एल्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दो नहीं है, बहुत सारी हैं। बी ग्रेड भी होता है, सी ग्रेड भी होता है, डी ग्रेड भी होता है, तो यहाँ पे हम इफ के साथ एल्स नहीं, इफ के साथ एल एफ इस्तेमाल करेंगे। तो आए इसको थोड़ा सा और, अभी भी इंडेंटेशन में आ रहा है, इंटरप्रेस कर रहे हैं सब इंडेंटेशन में, लेकिन मैं इंडेंटेशन ही चाहता, मैं इस कंडीशन से बाहर आना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ आप इफ चेक करें, एलिफ चेक करें, फिर एक और कंडीशन चेक करें, एलिफ ग्रेट ग्रेटर देन इक्वल टू 70% कर देते हैं। अब देखिएगा जैसे इंटरप्रेस करेंगे ये इंडेंटेशन में आएगा, यानी जगह छोड़ के आ जाएगा। तो अब हम कहेंगे क्या कि अब क्या प्रिंट करना भाई, तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम्हारा रिजल्ट है सी ग्रेड, ठीक। और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि अब सी ग्रेड से नीचे भी कोई हो तो हम उसको डी ग्रेड देंगे। तो अब हम वापस इंडेंटेशन से यानी कर्सर को पीछे लेके जाएंगे, चौथी कंडीशन। तो इफ एल्स में दो कंडीशन होती है और इफ एलिफ 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 में बहुत सारी कंडीशन होती है। तो जब कंडीशन ज़्यादा हो जाए तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है एलिफ। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 65, और अगर किसी के ग्रेड 60 और 70 के दरमियान हो, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हम उसे क्या कहेंगे कि आपका ग्रेड कौन सा है, हम उसे बताएंगे कि भैया आपका ग्रेड है डी ग्रेड, हम उसे डी ग्रेड देंगे। तो ठीक है, इसको डी ग्रेड दे देते हैं। अच्छा, ये सारी कंडीशंस हमने लिख ली। अब इससे नीचे भी कोई हो, इससे नीचे भी कोई हो, तो इससे नीचे अब हम कोई कंडीशन चाहते नहीं। अब हमने लिख दिया भाई 90 से ज़्यादा वाले को ए ग्रेड देना, 80 से ज़्यादा वाले को बी ग्रेड, 70 से ज़्यादा वाले को सी ग्रेड, 60 से ज़्यादा वाले को डी ग्रेड। अब हम चाहते हैं कि इसके अलावा यानी 60 से नीचे वाले सब हैं, उन सबको एक ही ग्रेड दे दिया जाए। तो अब मैं यहाँ कोई एलिफ नहीं इस्तेमाल करूँगा, या कहूँगा अब जो भी बचे हैं उनके लिए एक ही ग्रेड है, और एल्स में कोई कंडीशन भी लिखने की ज़रूरत नहीं। एल्स लिखा, कॉलन लगाया, इंटर दबा दी, प्रिंट फेल्ड, बस यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, फेल्ड। तो अब देखें इफ और एल्स हमने अभी भी इस्तेमाल किया है, यानी दो कंडीशन, हाँ या नहीं, लेकिन इस हाँ नहीं के दरमियान चार ऑप्शंस भी हैं, तीन ऑप्शंस भी हैं एलिफ के। तो याद रखें जब कंडीशन हमारी ज़्यादा हो जाए, यानी हमारे पास हाँ या नहीं के अलावा बहुत सारी कंडीशंस पे किसी चीज़ को चेक करना हो, तो वहाँ इफ और एल्स के बीच में क्या इस्तेमाल करेंगे, एलिफ एलिफ एलिफ। तो अब चेक करते हैं सलमान, यहाँ पे जो ग्रेड्स हैं वो है 75, तो हम इसको रन करेंगे। तो आप खुद बताएं कि जिसकी ग्रेड 70 या 70 से ज़्यादा हो उसको क्या मिलना चाहिए, सी ग्रेड। तो इस प्रोग्राम को क्या प्रिंट करना चाहिए, सी ग्रेड। तो ग्रेड 75 है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो देखें आपके सामने इसने जो है ना हमें एरर दे दिया। क्या एरर दिया इसने, एरर दिया कि आपने लिखा है इफ ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 90 डिग्री, तो ग्रेड नहीं, आपने यहाँ पे तो ग्रेड्स एज डिफाइन किया था, तो इसको ग्रेड करना पड़ेगा। अब रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को अब रन करेंगे तो इसने क्या प्रिंट किया, सी ग्रेड, यानी जो बच्चे का रिजल्ट है वो है सी ग्रेड। अब कर सकते हैं तो इसको बदलते हैं, अब ग्रेड ये जो बच्चे के मार्क्स हैं इसको हम कर देते हैं 60%, 60 कर देते हैं। अब चेक करते हैं तो अब ये क्या देगा, 60 में क्या देना चाहिए इसको, डी ग्रेड। तो अब चेक करते हैं इसने क्या दिया, डी ग्रेड, बिल्कुल सही दिया। अब हम इसको कहते हैं भाई आपके 95 मार्क्स आए, 95 मार्क्स के क्या देगा, ए ग्रेड। तो हम इस पर भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये कंडीशन को चेक कर रहा है कितनी जल्दी, और चेक करके हमें बताया। अब हम इसको कहते हैं आपके 30 मार्क्स आए, 30 आपका ग्रेड। तो अब जब रन करेंगे तो ये क्या बोलेगा, फेल्ड। तो ये इफ एल्स के अंदर, इफ एलिफ 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 और एल्स के अंदर ये सारी की सारी कंडीशंस को चेक कर रहा है। तो ये आपका दो चीज़ें आपने पढ़ी, एक तो वेरिएबल्स आप डिफाइन कैसे करते हैं, वेरिएबल्स उसके अंदर वैल्यूज कैसे स्टोर कराते हैं, उनको ऑपरेटर के साथ खिलाते जैसे उसमें प्लस माइनस मॉड्यूलस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल ये सारे फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, और ये सारे परफॉर्म करने के साथ साथ आप कंडीशनल स्टेटमेंट विद ऑपरेटर इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपने कितने ऑपरेटर इस्तेमाल किए, ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और इज इक्वल टू। अच्छा, इसके अंदर एक कंडीशन ऑर्डर लगा सकते हैं चेक करने की। अच्छा, चेक करने की कंडीशन क्या थी जो आपने अभी इससे पहले सीखी थी, वो क्या थी, इफ वैल्यू डबल इक्वल टू। तो एंड चेक करने की कंडीशन के लिए भी एक प्रोग्राम लिखते हैं,
और उस प्रोग्राम को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैथ्स डिपार्टमेंट पे यहाँ क्लिक करेंगे और न्यू फाइल बनाएंगे, एक नया प्रोग्राम जिसमें चेक करने की कंडीशन भी इस्तेमाल हो, इफ़ और एल्स भी इस्तेमाल हो जाए। तो लिखते हैं उस प्रोग्राम को और इसको क्या देते हैं, चेकिंग प्रोग्राम। चेकिंग प्रोग्राम एक नया प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें इफ एल्स भी इस्तेमाल करें और ऑपरेटर भी इस्तेमाल करें, जो दोनों चीज़ें पढ़ी हैं, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर, इन दोनों को मिला लें। तो पाइथन का एक बड़ा अच्छा सा फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वेरिएबल का नाम रख देते हैं ए, और इस वेरिएबल में हम लिखते हैं इनपुट। ये पाइथन का अपना फंक्शन है इनपुट। इस फंक्शन का क्या काम है, इस फंक्शन का ये काम है जब हम इनपुट लिखते हैं, इनपुट के अंदर जो भी चीज़ हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखें वो हमारे पास जब प्रोग्राम रन होता है तो लिखी भी आ जाती है। यानी इनपुट हमसे पूछता है कि आप वेरिएबल ए में क्या डालना चाहते हैं, तो हम इसमें ये लिख देते हैं व्हाट इज योर ग्रेट, ये पूछेगा हमसे। जैसे हम लिखेंगे इस प्रोग्राम को और इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये पूछेगा व्हाट इज योर ग्रेट, और ये जैसे हम इसको आंसर देंगे तो ये आगे बढ़ेगा प्रोग्राम। तो जैसे हम ये लिखेंगे रन करेंगे तो ये पूछेगा व्हाट इज योर ग्रेट, और हम जो भी ग्रेट बताएंगे इसको कहाँ सेव कर लेगा, ए में सेव कर लेगा। तो ठीक है, हम इसको प्रिंट करते हैं, इस प्रोग्राम को चलाते हैं प्रिंट ए, और इसको प्रिंट करने के बाद हम देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अच्छा, इस प्रोग्राम को रन करते हैं चेकिंग प्रोग्राम, तो देखें इसका आउटपुट हमारे सामने आ गया। इस प्रोग्राम में ये हमसे पूछ रहा है व्हाट इज योर ग्रेड, अब हमें इसको बताना पड़ेगा ग्रेड। तो हम इसको कहते हैं मेरा ग्रेड है 90 है मेरा ग्रेड, और मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने क्या प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए। क्यों प्रिंट ए किया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रिंट ब्रैकेट ए, और अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते तो कभी प्रिंट नहीं करता, लिखता ए ही प्रिंट कर देता। तो ए लिखा है हमने बगैर इन्वर्टेड कॉमास के, तो इसने ए की वैल्यू प्रिंट की। तो आए अब हम चेक करते हैं इसको, हम कहते हैं इफ आपने जो भी इनपुट देना है वो किस में सेव कर लेना, ए में, पहले ही सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे कहते हैं उस ए की वैल्यू को प्रिंट कराना ताकि हम देख सकें। फिर उसके बाद हम कहते हैं इफ ए इज़ इक्वल्स टू 90, अगर मैं प्रिंट करूँ ए, अगर मैं चेक करूँ, ये हम चेक करा रहे हैं, इफ़ इज़ इक्वल्स टू 90 हम चेक करा रहे हैं। अगर ए 90 हो, ये इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिया हमने ऑपरेटर के साथ, ए 90 हो तो आप क्या कहना, प्रिंट यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। अगर आपका ग्रेड 90, अगर बच्चा अपना ग्रेड इंटर करे वो 90 हो तो क्या कहना, आप बहुत अच्छा स्टूडेंट। आप यहाँ पे डाल देते हैं हम else में लिख देते हैं भाई, अगर आपका ग्रेड 90 नहीं है तो आपको शील्ड नहीं मिलेगी, यू विल नॉट गेट या यू वॉन्ट गेट द अवार्ड। और इसको अब हम प्रिंट करते हैं, तो हम अब ये हमसे ग्रेड पूछेगा, ए इज इक्वल्स टू इनपुट पूछेगा। इनपुट का फंक्शन क्या करता है, आप इनपुट लिखें और इसके अंदर कुछ भी लिख दें, हमसे प्रोग्राम शुरू होगा या यहाँ पे रोक देगा प्रोग्राम को, और हमसे कहेगा व्हाट इज योर ग्रेड। जब तक आप ग्रेड इंटर नहीं करेंगे प्रोग्राम अगली लाइन पे नहीं जाएगा, और जैसे ही ग्रेड इंटर करेंगे वो सेव किस में हो जाएगा, ए में। तो हम क्या कर रहे हैं अगले स्टेप में, ए प्रिंट करा रहे हैं, और फिर ए को प्रिंट कराने के साथ साथ क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और अगर ए 90 हो तो क्या प्रिंट कर देना, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, और अगर ना हो तो यू विल नॉट गेट द अवार्ड। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसने देखा हमसे पूछना शुरू कर दिया कि व्हाट इज योर ग्रेड, तो हम इसको ग्रेड बताते हैं 90 है भाई हमारा ग्रेड। तो इसने क्या प्रिंट किया, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, और फिर उसके बाद इसने कोड को खत्म कर दिया। तो अब हम दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाते हैं और इसको ये नहीं बताएंगे 90, तो ये चेक करेगा, जब इसको 90 नहीं मिलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, यू विल नॉट गेट द अवार्ड। तो दोबारा चलाते हैं इस प्रोग्राम को, अभी हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर ग्रेड, तो हम इसको कहते हैं मेरा ग्रेड है 70, ठीक है, और इंटर करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, यू विल नॉट गेट द अवार्ड। तो ये फेल्स की कंडीशन है जिसे हम मुख्तलिफ मौके पर इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आए इससे एक और प्रोग्राम लिखते हैं फेल्स की कंडीशन से, और अच्छा सा प्रोग्राम लिखते हैं, और इस प्रोग्राम का नाम भी हम डिफाइन करेंगे, इवन और ऑड प्रोग्राम, इवन और ऑड प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम होगा, हम इससे कंप्यूटर से बोलेंगे नंबर, हम वेरिएबल बनाते हैं नंबर वेरिएबल, आप छोटा भी बना सकते हैं, खाली ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई नाम भी लिख सकते हैं, वेरिएबल लिखा नंबर, और इस वेरिएबल में वैल्यू जो ना हम चाहते हैं कंप्यूटर हमसे पूछे, तो हम यहाँ लिख देते हैं इनपुट, और यहाँ पे लिखते हैं डबल ब्रैकेट, और इसके बाद कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमसे क्या पूछे, हम यहाँ लिखते हैं प्लीज़ एंटर द नंबर यू वॉन्ट टू चेक, आप जो नंबर चेक करना चाहते हैं
इवन या ऑड आप वो नंबर यहाँ पे लिखें, तो ये क्या करेगा, वो नंबर हमसे पूछेगा ये प्रोग्राम, तो हम वो नंबर लिखेंगे, और जैसे ही हम नंबर लिखेंगे वो नंबर इस वेरिएबल में ऑटोमेटिकली जाके सेव हो जाएगा। ये इनपुट फंक्शन का कमाल है। फिर उसके बाद जैसे ही नंबर लिखेगा तो हम उस नंबर को चेक करवाएंगे, इफ नंबर इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू। अच्छा, अब नंबर के साथ ना हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करा देते हैं। हम पीछे पढ़ के आए मॉड्यूलस ऑपरेशन। तो मॉड्यूलस ऑपरेशन क्या करता है, ये रिमाइंडर चेक करता है। तो कोई भी नंबर हो और उसको अगर टू से, अगर उसको टू से मॉड्यूलस लिया जाए तो उसका आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो हमेशा इवन नंबर होगा, क्योंकि हर इवन नंबर टू से डिवाइड हो जाता है। तो हमने यहाँ पे चलाकी का काम किया, हमने नंबर लिखा, वो नंबर इनपुट लिया, उसी नंबर को चेक करा दिया। अच्छा, नंबर को चेक कैसे कराया, उस नंबर पे पहले ऑपरेशन परफॉर्म कराए। क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराया, इफ नंबर, जो भी नंबर आप इनपुट करोगे ये प्रोग्राम उसका मॉड्यूलस लेगा टू के साथ, यानी उसको डिवाइड मॉड्यूलस लेगा टू के साथ और देखेगा कोई रिमाइंडर बचा। अगर कोई रिमाइंडर बच गया तो वो तो नंबर क्या होगा, नंबर इवन नहीं होगा, और रिमाइंडर नहीं बचा तो नंबर इज इवन। तो हमने क्या लिखा, इफ नंबर मॉड्यूलस टू, ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, इफ नंबर मॉड्यूलस टू इजिक्वल टू जीरो, कॉलन लगा, एंटर दबाया। अब इंडेंटेशन में शुरू हुआ। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट द गिवन, अब हम लिख रहे हैं द गिवन नंबर इज इवन नंबर। अगर नंबर का आंसर, अगर मॉड्यूलस का आंसर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो नंबर जाहिर सी बात है इवन होगा, क्योंकि इवन नंबर का कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं जब वो टू से डिवाइड होगा। इसके बाद दूसरी कंडीशन एल्स, एल्स में कोई कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं, कोई कंडीशन, आप एंटर दबाए नीचे आए और क्या लिख दें, क्योंकि हाँ या नहीं वाली कंडीशन है ना, हम लिखते हैं द नंबर यू हैव प्रोवाइडेड इज ऑड नंबर। अब इसको प्रोग्राम को चला के चेक करते हैं, इस प्रोग्राम को हम चला के चेक करेंगे, तो ये प्रोग्राम जब से हम चलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमसे नंबर पूछेगा। हम इसको नंबर इनपुट करके बताएंगे कि भाई ये नंबर है, हमने इनपुट कर दिया, वो नंबर के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। सेव होने के अगले स्टेप में ये उसको क्या करेगा, उस नंबर को टू से मॉड्यूलस लेगा, टू से मॉड्यूलस लेगा, जैसे मॉड्यूलस लेगा इसको पता लगेगा कि यार ये तो आंसर जीरो आ रहा है तो ये तो इवन नंबर है, और अगर जीरो नहीं आ रहा यानी कोई रिमाइंडर बच रहा है। मॉड्यूलस का क्या काम है, रिमाइंडर निकालना, टू से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर चेक करेगा, रिमाइंडर होगा तो बोलेगा नंबर इज ऑड। तो इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, बड़ा अच्छा सा और इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम है। तो ये हमसे पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द नंबर यू वॉन्ट टू चेक, तो हम इसको कहते हैं 32 बता देते हैं और इंटर दबाते हैं। तो इसने हमें एक एरर दिया, इसने हमें एरर क्या दिया, नॉट ऑल आर्गूमेंट्स कन्वर्टेड ड्यूरिंग। अच्छा, इसने हमसे कहा कि भाई ये स्ट्रिंग दे रहे हो, तो अब ये क्या बात हुई कि स्ट्रिंग दे रहे हो और क्या दे रहे हो, तो यहाँ इनपुट से पहले आप ये जो इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू जा रही है आप यहाँ लिखते हैं आई एन टी इंटीजर, और यहाँ एक ब्रैकेट लगाएं और एक ब्रैकेट एट द एंड लगाएं। अब इनपुट में कोई भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे, पाइथन अब उस इनपुट को एज अ इंटीजर ट्रीट करेगा। इंटीजर कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर होते हैं, अब जो है ना इसको इंटीजर ट्रीट करेगा, तो इंटीजर की तरह मॉड्यूलस भी करवाएगा, डिवाइड भी करवाएगा, रिमाइंडर भी निकालेगा, वरना इससे पहले वो इसे स्ट्रिंग भी समझ रहा है। तो आए अब रन करके चेक करते हैं इसको। तो हमने डेटा टाइप बता दिया, अब डेटा टाइप की भी नॉलेज आ गई आपको कि भाई आप किसी चीज़ का इनपुट देना है, अगर वो इंटीजर है तो इंटीजर लिख दें, स्ट्रिंग है तो str लिख दें। तो हमने यहाँ रन करते हैं इसको, वी पूछ रहा है प्लीज इंटर द नंबर यू वॉन्ट टू चेक, हम इसको कहते हैं 32 को चेक करो। अभी हमें क्या बता रहा है, द गिवन नंबर इज इवन नंबर, 32 इवन नंबर था। अच्छा, दोबारा रन करते हैं, अब इसको गलत नंबर बताते हैं। अब हम इसको क्या देते हैं 33 को चेक करो, यहाँ पे लिख देते हैं 33 को चेक करो। तो अब ये क्या बोल रहा है, नंबर यू हैव प्रोवाइडेड इस ऑड नंबर, यानी सक्सेसफुली हमारी कंडीशन को चेक कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और कर देते हैं कि हमने इफ और एल्स इस्तेमाल कर लिया, और एक कोई ऐसा खास नंबर रख देते हैं, एलिफ की कंडीशन लगाते हैं, एलिफ की कंडीशन लगाते हैं यहीं पर, और यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई एक नंबर ऐसा है उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करना चाहते, 22 नाम लग देते हैं ऐसे। यहाँ हमने एलिफ लिखा और एलिफ के साथ हम लिखते हैं कंडीशन एलिफ नंबर इज इक्वल टू 100। अगर उसने जो नंबर डाला है वो 100 हो तो क्या करना, हमें भाई हमारी 100 से दुश्मनी है, हम इसको चेक नहीं करना चाहते, तो हम कहते हैं वी डोंट वॉन्ट टू चेक दिस।
अच्छा, अब ये जो हमने एलिफ डाला है, हमने कहा कि भाई जब नंबर 100 हो तो हमें ये प्रिंट कर देना, ये वाली लाइन। लेकिन जब नंबर 100 होगा तो क्या होगा, उसका मॉड्यूलस जब ये 2 चलेगा तो 0 भी आएगा। तो हम यहाँ पे ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं क्या ये दोनों कंडीशन ट्रू हो के भी काम करता है या नहीं करता। तो आए इसको रन करके देखते हैं, क्योंकि नंबर 100 का मॉड्यूलस 2 से क्या होगा, द नंबर इज इवन। फिर उसके बाद तो इसको इसमें जाना चाहिए, इसमें जाके चेक करेगा 100 डाला है, वो बोलेगा वी डोंट वांट टू चेक दिस। तो हम दोनों कंडीशन देखना चाहते हैं, क्या पाइथन दोनों चेक करती है या एक पे ही काम खत्म कर देती है। तो हम यहाँ पे डालते हैं 100 जानबूझ कर। तो इसने क्या प्रिंट किया, द गिवन नंबर इज इवन। क्यों भाई ऐसा क्यों किया इसने, इसने इसलिए ऐसा किया कि जब पाइथन में आपने नंबर मॉड्यूलस 2 = 2 = 0 लिखा तो इसे ये कंडीशन ट्रू मिल गई। तो याद रखें, जब इसे कोई पहली कंडीशन ट्रू मिल जाती है तो बस ये यहीं पे आके इसको प्रिंट कर देता है। अब जब इसे ये मिल गई तो अब ये सारी कंडीशंस जो है इनको चेक नहीं करेगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। हम इसको यहाँ से मिटाते हैं, और अगर इसको जो कंडीशन आप ट्रू करना चाहते हैं उस कंडीशन पे अगर आपको मिल जाता है, ये उस कंडीशन पे जाके काम करेगा, और दूसरी कंडीशन इसे चेक नहीं करनी, करनी भी नहीं चाहिए और करेगा भी नहीं। अच्छा, लेकिन अगर कंडीशन मुख्तलिफ कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ और लिख कर हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं एलिफ, एलिफ ये जो नंबर है इसकी जगह कह देते हैं हमने जो है ना कोई कोई ऐसा नंबर, बल्कि कोई ऐसा नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम इस तरह एग्जीक्यूट करेंगे और इसको देखेंगे चला के। तो हम यहाँ पे इसको बदलते हैं, कुछ बदलना चाह रहे हैं, तो हम इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पे इसको कहते हैं इनपुट रखो आप, और जो ना मॉड्यूलस नहीं लेते, हम नंबर को चेक करना शुरू करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम एलिफ भी इस्तेमाल करें। इफ नंबर इज इक्वल टू ए, अब हम स्ट्रिंग से चेक करते हैं, यहाँ प्रिंट करते हैं यू हैव एंटर्ड फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ए बी सी डी, ये लिख देते हैं ए बी सी डी। अच्छा, जब ए हो, और फिर उसके बाद कहते हैं हम एलिफ, एलिफ कहते हैं, और एलिफ में कहते हैं एलिफ नंबर इज इक्वल टू बी। तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, यू हैव प्रिंटेड द सेकेंड अल्फाबेट ऑफ ए बी सी डी। अभी हमने एलिफ कर दिया, अभी हम यहाँ पे एल्स पे कुछ भी कर देते हैं, क्योंकि हम तीन ही इनपुट ले रहे हैं। द नंबर इज अदर देन द फर्स्ट टू अल्फाबेट, अब ये तीनों कंडीशंस दिखाना चाह रहे हैं हम इसको। अगर हम इनपुट करें नंबर ए हो तो ये क्या बोले कि भाई आपने पहला अल्फाबेट ए बी सी डी का एंटर कर दिया, और अगर बी हो तो ये दूसरा, और अगर ए बी दोनों ही ना हो तो तीसरा प्रिंट कर दें। तो हम इसको चेक करते हैं, इसको रन करते हैं, ये हमसे पूछ रहा है। अच्छा, इसने बोल दिया इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों भाई इनवैलिड सिंटैक्स, दो ब्रैकेट नहीं आते, एक ही ब्रैकेट आता है इनपुट का। उसके बाद हम रन करते हैं, अब इसने पूछा ए, इसने मुझसे पूछा यहाँ पे लिखनी है मुझे वैल्यू, सॉरी ये पीछे वाली विंडो में चला गया ए। अब ये बोलेगा यू हैव प्रिंट इंटर्ड द फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ ए बी सी डी। मैं दोबारा रन करता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि भाई आप मुझे ये तो बताएं कि हम दूसरी भी चेक भी कर रहे हैं या नहीं। तो आए दूसरा चेक करते हैं, और अब बी यहाँ पे हमने लिख दिया, नीचे वाली विंडो में आना है, जिस विंडो में हम काम कर रहे हैं उस विंडो में जहाँ पे आउटपुट नज़र आता है बी। अब ये बोलेगा यू हैव एंटर्ड द सेकेंड अल्फाबेट ऑफ ए बी सी डी। और अगर हम ये भी गलत करते हैं, यानी हम ए और बी जेड लिखते हैं, ये अब ए भी नहीं चेक करेगा, बी भी नहीं चेक करेगा, तो क्या चेक करेगा ये बोलेगा द नंबर इज अदर देन द फर्स्ट टू अल्फाबेट। तो इस तरह आप इफ एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं मुख्तलिफ केसेस में। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इसके अंदर, क्या क्या सीखा हमने, हमने वेरिएबल्स सीखे, चेकिंग सीखी, असाइनिंग सीखी, ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे प्रोग्राम में सीखे, बहुत सारे ऑपरेटर्स पे काम करना सीखा, कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे। अब हम आते हैं सिंपलेस्ट इनपुट भी लेना सीखा। अब हम जो है एक रियल लाइफ प्रॉब्लम पे आते हैं, लेकिन उस रियल लाइफ प्रॉब्लम से आने से पहले हम कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं पाइथन में सिंपल से। वो ऑपरेटर क्या है, वो ऑपरेटर हमारे सामने लिखे हुए हैं या आपने खुद ही प्रैक्टिस करने, इनको हम दिखाते हैं।
और ये वही ऑपरेटर है जो आप नॉर्मल जिंदगी में ग्रेटर देन लेस देन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने यहाँ पाइथन में लिखा एक्स इज इक्वल टू 5 और आपने इसको बताया प्रिंट एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन 10। हम यहाँ पे जो बात बताना चाहते हैं वो कौन सी है, एंड। तो ये चेक करेगा कि एक्स 3 से बड़ा है और क्या एक्स लेस देन 10 है। तो एंड एक ऐसा ऑपरेटर है जो दोनों वैल्यूज के ट्रू होने पर हमें आंसर देगा। तो हमने यहाँ पे आंसर भी लिख दिया। तो x 3 से बड़ा है, g बड़ा है और 10 से छोटा है, g छोटा है। तो इसका आंसर क्या है, रिटर्न्स ट्रू बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5 इज लेस देन 10। तो एंड हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि दोनों कंडीशंस के ट्रू होने पे हमें आंसर देता है। इसके अलावा और क्या है, वो कहता है दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए तो मैं आंसर दे दूंगा। उसके बाद क्या है, नॉट, नॉट इसको चेक करता है, बस इसका इनवर्स करता है। रिटर्न्स फॉल्स बिकॉज नॉट इज यूज टू इनवर्स द रिजल्ट। अगर देखें एक्स इज इक्वल टू 3 एक्स लेस देन 10, ये बिल्कुल सही बात है यानी ट्रू, लेकिन नॉट क्या करता है, इस ट्रू को इनवर्स कर देगा। तो आंसर क्या है, फॉल्स। तो किसी को अगर एंड और नॉर नॉट इस तरह का ऑपरेटर देखने का शौक हो तो हमने यहाँ पर लिंक लिख दिया, इस लिंक से जाके वो इन सबको देख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब बातें एक तरफ, हम आए एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम की तरफ। इसको बड़ी गौर से देखना है, समझना है, और जिसने इसको समझ लिया उसको एंड और जो है नॉट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है ये। सामने एक प्रोटोटाइप की तस्वीर नज़र आ रही है आपको, ये है फ्यूल प्रिडिक्शन इंजन डेवलप ऑन रेसबेरी पाई माइक्रो कंप्यूटर। एक छोटा सा माइक्रो कंप्यूटर है, CPU है, उसके ऊपर ये फ्यूल इंजन बना हुआ है। अब इस फ्यूल इंजन में होता क्या है, पानी भरता है और पानी कम होता है। अच्छा भाई ये फ्यूल इंजन दिखा देते हैं कैसा होता है, फ्यूल इंजन खोल के देख लेते हैं। तो ये फ्यूल इंजन मान लेते हैं ये हमारे पास है, इसको समझते हैं इस क्वेश्चन को। और ये फ्यूल इंजन है, ठीक है, और इसका ये एक वॉल्व है जो पानी का लेवल पता करता है, और एक इसका आउटलेट नीचे एक वॉल्व है। यहाँ पे पानी आता है ऊपर से, इसको ब्लू कलर कर लेते हैं, पानी आता है इसमें यहाँ से और पानी भरता है। तो पानी भरता है तो ये यहाँ पे एक वॉल्व है, डॉट लगा देते हैं, बल्कि इसको इस तरह बनाते हैं, यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं, इससे पता लगता है पानी फुल हो गया है इस जगह पे। और इस जगह पे पानी कम हो जाता है। अगर पानी इतना हो यानी तेल इतना हो तो हम कहते हैं पेट्रोल खत्म हो गया, और पानी पूरा भर जाए इस तरह हो जाए तो हम कहते हैं पेट्रोल फुल हो गया। तो बड़ी गंदी सी डायग्राम है, इस इधर देखते हैं ये शीशे के अंदर। तो इसके अंदर हमने करना क्या है, इट इज कंटिन्यूसली मेजरिंग द लेवल, ठीक है, लेवल ऑफ वाटर। तो इसमें क्या हो रहा है, लेवल ऑफ लिक्विड जो है मुसलसल मेजर हो रहा है इस सवाल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर। अब हमें जो प्रॉब्लम दी गई है, हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो वॉल्व है, हमारी ये जो टंकी है, टंकी कह लेते हैं हम, इस पर दो कंडीशंस ऑब्जर्व करना चाहते हैं। एक तो ये जब पूरी भर जाए और एक इसमें से पानी ख़त्म हो जाए। कौन सी दो कंडीशन ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उन दो कंडीशंस पे बात करते हैं। हम इस टंकी में दो कंडीशंस देखना चाहते हैं। नंबर वन कंडीशन ये है कि ये फुल हो जाए। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशंस हमने चेक करनी है। हमारा सवाल है कि इस फ्यूल इंजन में हमें दो बातें चेक करनी है, कौन सी दो बातें। ये हमारे पास टैंक है, यहाँ पे ये फुल हो जाता है और यहाँ पे ये एम्प्टी हो जाता है। तो हम ये चाहते हैं हम ये दो जगहें मेजर कर दें, एक तो फुल हो गया और एक एम्प्टी हो गया। तो सवाल में हमसे ये कहा गया है कि वी वॉन्ट टू ग्लो द LED एंड मेक द बजरिंग, यानी जैसे ही हमारा ये टैंक फुल हो जाए, पानी यहाँ तक भर जाए, तो हमारे पास एक बजर बच जाए और एक लाइट जल जाए। और अगर इसको इस्तेमाल होता है भाई, ये टैंक मुसलसल यहाँ से पानी निकलता रहता है, और अगर इसकी वैल्यू कम हो जाए यानी खाली होने लग जाए टैंक, ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और इतना सा पानी रह जाए, इतना सा ऑयल रह जाए, इतना सा लिक्विड रह जाए, तो भी हमें बजर बच जाए। तो दोनों कंडीशंस क्या हैं, आप कंडीशन को समझें। तो दोनों कंडीशंस में हमें क्या करना है, LED और बजर को रिंग करना है। कौन सी दो कंडीशन है, कंडीशन वन है ओवरफिलिंग, यानी बहुत भर गया है अब पानी बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, प्लीज स्टॉप। और दूसरी कंडीशन क्या है,
लेस फ्यूल, कि पानी बहुत कम हो गया है और इंजन खाली हो रहा है. एक पहली कंडीशन इंजन फुल हो रहा है, दूसरी कंडीशन इंजन एम्प्टी हो रहा है. तो इसकी लिमिट क्या है, कितना बड़ा इंजन है भाई, 310, ये इसकी जो साइज़ है, इसकी जो टैंक का फ्यूल जिसमें इतना आता है, 310 मिलीलीटर आता है इसमें फ्यूल. और हम कह रहे हैं कि ये जो कंडीशन है जहाँ पे खाली हो रहा है, एमपीटी कितने पे हो रहा है, 10 ml पे, और भर कितने पे जाता है, 300 ml पे. तो हम ये चाहते हैं कि दोनों कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन आ जाए, इफ दिस कंडीशन और दिस कंडीशन, तो हमें क्या बजाना है, बजर को बजाना है. वी वॉन्ट द बजर रिंग इफ इफ द फ्यूल goes to full level. We also want the buzzer ring if the fuel goes to empty level. तो दोनों condition, या तो पूरा भर जाए तो एक buzzer बजाते हैं, या फिर बहुत कम हो जाए तो एक buzzer बजाते हैं. तो दोनों condition, तो इस condition में हमें क्या चाहिए, दोनों conditions को true होना चाहिए. तो हमने यहाँ if का इस्तेमाल किया, और दोनों conditions किस में true, दोनों condition में से कोई एक condition true हो जाए तो हमें क्या पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमें बजर बजाना है. क्योंकि अगर हम अपनी फिगर पे जाते हैं, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो बजर बज जाए, या ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो बजर बज जाए. तो हम पहली कंडीशन पे आते हैं, एंड. एंड कहता है दोनों ट्रू होने चाहिए. तो हमारा जो टैंक है वो एक वक्त में भरा हुआ एक वक्त में खाली भी तो नहीं हो सकता, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते. तो एंड क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया. अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे, और कंडीशन हमें ये कहती है कि इफ वन ऑफ बोथ इज ट्रू, अगर दोनों में से एक ट्रू हो जाए तो ये काम कर जाएगा. तो यहाँ पे हमने कौन सी कंडीशन इस्तेमाल की है, और. क्यों, हम अगर फ्यूल ग्रेटर देन 300 ml हो जाए और फ्यूल लेस देन 10 ml हो जाए तो हमें क्या चाहिए, अलार्म चाहिए. वी वॉन्ट द अलार्म इफ द टैंक इज ओवरफिल्ड और इफ द टैंक इज एम गेटिंग एम्प्टी. तो दोनों में से एक वक्त में एक ही कंडीशन ट्रू होगी. तो हमें कौन सा ऑपरेटर यूज किया, हमने यहाँ पे और ऑपरेटर इस्तेमाल किया. क्यों, और वर्क्स इफ वन ऑफ द बोथ कंडीशन इज ट्रू. तो हमने इस प्रोग्रामिंग की टेक्निक को, इस और ऑपरेटर को इस बॉक्स पे अप्लाई किया और हमने रिजल्ट देखा. तो आया रिजल्ट, देखें हम सक्सेसफुल रिजल्ट मिला, आवर रिजल्ट आफ्टर गेटिंग द और ऑपरेटर. अब ये वीडियो प्ले करते हैं, देखें इसमें ये बजर बजे. तो इसमें पानी कम था और पानी कम होने पे ये बजर बजा था. और ये जो हमारे पास पाइप है, इस पाइप में से मुसलसल पानी सक हो रहा था, जैसे ही पानी कम हुआ बजर और एलईडी बजना शुरू हो गए. और पानी जब ज़्यादा हुआ तो बहुत ज़्यादा हुआ, यानी फुल होने लगा, तो भी बजर और एलईडी बजना शुरू हो गए. तो इसमें हमने क्या ऑपरेटर यूज़ किया, और ऑपरेटर वर्क्स इफ वन ऑफ बोथ द कंडीशंस गेट ट्रू, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो बजर बजता है. तो ये हमारे पास सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, इसमें हमने और ऑपरेटर यूज किया. तो इसके लिए इतना ही. अब हम देखते हैं, हमने पाइथन में बहुत सारी चीजें देखी, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर, चेकिंग, असाइनिंग, ट्रू फॉल्स, एडिशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन. उसके अलावा बहुत सारे अरिथमेटिक ऑर्डर पढ़े, उनको अप्लाई किया प्रोग्राम में. इसके अलावा कंडीशनल स्टेटमेंट देखे, इफ और एल्स दो कंडीशंस देखी, इफ एलिफ 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 एंड एल्स वाली कंडीशंस देखी. उसके बाद हमने इनपुट लेना सीखा, इनपुट का फंक्शन सीखा. फिर उसके बाद हमने एंड और देखा, और एंड और की एक रियल लाइफ प्रॉब्लम इफ एल्स कंडीशन के साथ देखी और इसका रिजल्ट देखा. तो अपने प्रोग्राम्स पे अगर आए तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखे. सबसे पहले हमने सारे ऑपरेटर्स देखे, उनको अप्लाई करना सीखा. फिर उसके बाद हमने इफ और एल्स की कंडीशन सिर्फ दो चीज़ों में लगाई, कि या तो कोई चीज़ है या नहीं है, इफ और एल्स हाँ या नहीं. फिर उसके बाद हमने एलिफ के साथ कंडीशन ग्रेड्स के लिए अप्लाई की. फिर उसके बाद हमने इवन नंबर चेक करने का प्रोग्राम लिखा, चेकिंग ऑपरेटर को चेक किया. फिर उसके बाद हमने इवन और ऑड के लिए प्रोग्राम लिखा या अल्फाबेट्स के लिए प्रोग्राम लिखा. तो इसके लिए इतना ही, किसी का कोई सवाल है इसमें से तो मुझसे पूछ सकता है.